आपने देखा पोकेमोन जिन लीडर के साथ मैच लड़कर ऐश और पिकाचू ने अब तक के सबसे मुश्किल चैलेंज का सामना किया। ऐश ने बोल्डर बैच जीता। पोकेमोन लीग चैंपियनशिप खेलने का ये उसका पहला कदम है। जिम लीडर ब्रॉक भी अब उनकी टीम में है। ऐश और उसके दोस्त सफर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर जैसे ही वो प्यूटर शहर से बाहर निकले उन्हें नहीं पता था कि उनका अगला कारनामा दूसरी दुनिया का होगा। क्लफेरी और मूनस्टोन। ऐश और उसके दोस्त मैट मून की तरफ जा रहे हैं। इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत सुनी और अनसुनी कहानियां कही जाती हैं। ऐश की टीम ये साबित करेगी कि वो सारी कहानियां सच हैं। माउंट मून, ये नाम कितना प्यारा है ना? क्या कहते हो? लोग कहते हैं कि बहुत पहले एक बड़ा सा मीटियोर इस माउंटेन से आकर टकरा गया था। हाँ? हाँ? क्या ये बात सच है? उस मीटियोर का नाम था द मून स्टोन। कितना प्यारा है ना? देखो देखो उस तरफ। ये तो जू बैट है। उस आदमी पर हमला कर रहे हैं। डेक्सटर जानकारी दो। उड़ने वाले पोकेमोन जिसमें सुपरसोनिक पावर से गुफा में रहते हैं उन्हें उजाला अच्छा नहीं लगता है। जिनकी डे शिफ्ट है। ये मजाक का वक्त नहीं है। उस बेचारे को हमारी मदद चाहिए। सॉरी तुमने सही कहा। पिकाचू चलो थंडर शॉक। तुम ठीक तो हो? तुम सब बहुत अच्छे हो। कितने अच्छे हो। तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। बहुत ज्यादा अच्छे हो। मेरी जान बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना आदमी का सबसे अच्छा दोस्त पोकेमोन है। आज मुझे इस बात पर यकीन हो गया। अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। इस दोस्त के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। जब जुबैट ने मुझ पर हमला किया तो मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊंगा, पर तुमने मुझे बचा लिया। तुम दोनों की वजह से मैं जिंदा हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ा ही इमोशनल स्पीच था। क्या मैंने तुम दोनों का शुक्रिया अदा किया? वैसे आप बताएंगे ये जुबैक ने आप पर हमला क्यों किया? मिस्टर, मेरा नाम मिस्टर नहीं है, मेरा नाम सीमोर है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ जिसके पास ज्ञान का भंडार है। मुझे किसी की तलाश है। मैं हूँ सीमोर, एक वैज्ञानिक। देखो गुफा में कितना उजाला है। किसी ने इस गुफा में किसी वजह से ये लाइट्स लगाई थी, पर इस गुफा के पोकेमोन को अंधेरा चाहिए। ये लाइट्स उन्हें परेशान कर रही है और डरा भी रही है। शायद किसी वजह से ज़ू बैट्स ने तुम पर हमला किया था। यहाँ देखो ये पैरासाइट अपने मशरूम हर जगह लगा रहे हैं। इन लाइट्स की गर्मी से ये सैंड श्रूक सूख रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस गुफा पर जिसकी गंदी नजर है उससे मैं इन सब को बचा सकूँ। ये लोग हैं कौन और आखिर क्या चाहते हैं? ये सब हुआ है मून स्टोन की वजह से। मून स्टोन की वजह से? मैं बताता हूँ। मून स्टोन एक सालों पुराना पत्थर है, लाखों साल पुराना या उससे भी ज्यादा। और इस गुफा में कहीं मीटियर छुपा हुआ है। कोई भी खोजी उस गुफा के पत्थर को ढूंढ नहीं पाया। हमने उसके फ्रेगमेंट्स को अच्छी तरह से जांचा है और उससे पोकेमोन की ताकत बढ़ती है। इसलिए कुछ बदमाश लोगों की नजर इस गुफा पर है। वो यहाँ मून स्टोन चुराने आए हैं। मून स्टोन को? जब मैं छोटा लड़का था तब मुझे लगता था कि पोकेमोन अंतरिक्ष से आए हैं। अंतरिक्ष से? हाँ, और मैं ये भी बता दूं कि मून स्टोन ने इन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। इस गुफा में वो है मून स्टोन। ये एक असली कहानी है। इसलिए मुझे लगता है ये मून स्टोन पोकेमोन का है। इस पर इंसानों का बिल्कुल हक नहीं है। सही कहा ना? बोलो सही कहा ना? ये तो शायद क्लफेरी है। क्यों है? लूट है ना? क्लफेरी मस्ती खोर पोकेमोन दिलदार और शांत है। ये माउंट मून के अंदर रहते हैं। इन्हें बहुत कम पाया जाता है। मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। ऐसा मत करो। सॉरी पर अच्छा होगा तुम इन्हें यहीं रहने दो।
और इस वक्त यही बेहतर है। जी हाँ सेमोर, मैं इस बात को समझता हूँ। ये तो म्याउट है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे शैतानों को ही ढूंढ रहे हैं। तो वो टीम रॉकेट ही है जो इस गुफा में सब गड़बड़ कर रही है। ये लोग नहीं सुधरेंगे। इससे पहले यहाँ भगदड़ मच जाए, हमें इन्हें रोकना होगा। भगदड़ मचाएंगे धमाल, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। इस कायनात को हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाई। अभी सभी सरेंडर करो या करो हमसे फाइट। ये बहुत ही शौक करते हैं। क्या तुम लोग एक ही चीज बार बार बोलते बोलते थक नहीं जाते? तुम हमसे जलते हो बच्चे, क्योंकि तुम हमारे साथ काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ कभी काम करूंगा भी नहीं। तुमने जो लाइट्स गुफा में लगाई है उसकी वजह से सारे पोकेमॉन कंफ्यूज हो गए हैं। कितनी शर्म की बात है। हम अपने आप को कैसे माफ करेंगे? हम बस मूनस्टोन को हासिल करके अपने पोकेमॉन को पावरफुल बनाना चाहते हैं। एक बार मूनस्टोन हमें मिल जाए तब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम तुम्हें इसे ले जाने नहीं देंगे, समझे? तुम्हें पत्थर चाहिए, इनमें से कोई भी ले लो और यहाँ से चले जाओ। चले जाओ, बकवास मत करो। चलो इन्हें सबक सिखाएं। तुम सीमोर और क्लिफेरी पर नजर रखना और मौका मिलते ही भाग निकलना। हमले के लिए तैयार हो जाओ। गुफा में अंदर आने से पहले मैंने उसे पकड़ लिया था। मुझे भी एक पकड़ लेना चाहिए था। धुएं वाला हमला। बटरफ्री व्हर्लविंड अभी। ज़ूबैट डबल टीम अभी। ये क्या हुआ? बहुत अच्छे। आखिर इन्हें हो क्या रहा है? एकिन्स और कॉफी कंफ्यूज हो रहे हैं। बटरफ्री व्हर्लविंड अभी। दुश्मनों को केयर से बाहर भगा दो। एक सेकंड रुको, क्या हम कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ, कुछ तो गायब है। म्याउट कहाँ है? क्लफेरी भाग रही है। क्लफेरी वापस आओ। हम मेरी पकड़ में। क्या इसके बदले तुम कुछ और नहीं मांग सकते? बिल्कुल नहीं। जल्दी जल्दी क्या है म्याउट? जैसे अपनी और क्लिफेरी को परेशान नहीं करेगा। वो क्या है? ये पोकेमॉन का खाना है। ये मेरी अपनी रेसिपी है। इसमें ऐसी चीजें हैं जो पोकेमॉन को पसंद है। इसका टेस्ट कैसा है? मैं सालों से इसे बना रहा हूँ और हर बार पहले से अच्छा बनता है। मैं पिकाचू के लिए भी बनाऊंगा। मैं थोड़ा टेस्ट करता हूँ। अच्छा
वाकई मैं भी टेस्ट करता हूँ। ये रेसिपी तुम्हारे लिए नहीं, पोकेमॉन्स के लिए है। पिकाचु कितने जल्दी दोस्त बना लेता है, पता नहीं वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे। क्या हुआ, क्या बात है पिकाचु? पिकाचु, आखिर तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? ये तो एक दूसरी गुफा है। ये मूनस्टोन की मुख्य गुफा है। मुझे तो सपना लग रहा है। मतलब मूनस्टोन की कहानी सच है। देखो देखो, क्लिफेरी कुछ कर रही है। लगता है वो हेलो कह रही है। उन्हें देखो तो। क्या बात है, इनकी खुद की ये एक अलग दुनिया है। ये वाकई कमाल है। हे पिकाचु, क्लिफेरी तुम्हें क्या बता रही है? तुम्हें उसकी बात समझ में आती है? बिल्कुल, आखिर वो मेरा पोकेमॉन है। क्लिफेरी ने इन सारे पत्थरों को जमा किया है और वो डांस कर रही है। क्लिफेरी को उठा लिया। उठाने वाली गाड़ी जैसा लग रहा है। क्या क्लिफेरी को किशमिश पसंद है? हेयर के साथ क्या राइम करता है? हेयर, समझ गया, प्रेयर। क्लिफेरी मूनस्टोन से प्रे करती है। क्या इसलिए क्योंकि मूनस्टोन स्वर्ग से गिरा था? तो मतलब कहानी बिल्कुल सच है, मूनस्टोन वाकई स्पेस से आया था। समझ गए तुम? बाहर की दुनिया पोकेमॉन और इंसानी जाति मूनस्टोन को अंतरिक्ष में पहुंचा देगी। पहले चांद पर, फिर मंगल ग्रह पर, फिर सितारों पर। सितारे कहीं तुम हमारी बात तो नहीं कर रहे? वो तुम लोग कभी हार नहीं मानोगे क्या? मूनस्टोन से दूर रहना, वरना क्या? तुम हमें चेतावनी दे रहे हो? ये मूनस्टोन क्लिफेरी का है, तुम जैसों का नहीं। यहाँ से निकल जाओ। अजीब सी आवाज कैसी है? वो डर के मारे कांप रहा है। ये तो डरपोक निकला। अभी बता दो। नहीं, और नहीं। क्यों मजा आया? चश्मा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुमने ये अच्छा नहीं किया। पोकेमॉन के मैच में सब चलता है बच्चे। बातें बहुत हो गई। बिल्कुल सही कहा। तैयार हो जाओ पिकाचु। और एक सब तुम्हारी बारी। बता देंगे, बड़ा होने से जीत हासिल नहीं होती। एकदम जमीन के अंदर जाओ। कॉफी धुएं का हथियार। धुआं हमें नहीं रोक सकता। पिजियोडो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। पिजियोडो, व्हर्लविंड, धुआं को हटाओ। मूनस्टोन कहाँ गया? किसने चुराया? मतलब वो मैच उनकी चाल थी ताकि वो मूनस्टोन को चुरा सके। ऑनिक्स, जमीन के नीचे जाकर उनका पीछा करो। हमारे पास उन्हें पकड़ने का अब भी एक मौका है।
माफ कीजिए, कौन है? थैंक यू। और तुम सब उस मूनस्टोन चोर को पकड़ क्यों नहीं रहे? मूनस्टोन तुम सबका है, तुम सबकी जिम्मेदारी है उसे वापस लाने की। जाओ जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। अच्छे लोग हमेशा हार जाते हैं। हमने उन्हें अच्छी तरह चकमा दे दिया। मिल गए। बहुत अच्छे ऑनिक्स, अब उन्हें पकड़ लो। कॉफिंग, हमला करो। ऑनिक्स, हे देखो, ये तो सिल्वर है। क्या हो रहा है? ये लोग कर क्या रहे हैं? अपने हाथ ला रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये एक ऐसा हमला है जो सबको मुसीबत में डाल देगा। मैंने इन्हें कभी इस तरह का हमला करते नहीं देखा। अब क्या होगा किसी को नहीं पता। क्लफेरी तो क्लफेबल क्लफेरी का विकसित रूप है और ये दुनिया के सबसे कम पाए जाने वाले पोकेमोन है। ये सब मूनस्टोन की पावर ने किया। मूनस्टोन को ढूंढकर मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो गया। मैं क्लफेरी के साथ स्टार्स पर जाऊंगा। और जब तुम स्पेस में होगे तो हमें पोस्ट कार्ड भेजना मत भूलना। तुम्हें लगता है क्लफेरी भी स्पेस से ही आई थी? क्या पता, ऐसा हो भी सकता है। ये रोड जाती है सिरुलियन सिटी को। वेल लगता है हम सही रास्ते पर हैं। इस पर कुछ और भी लिखा है। कुछ लोग शरारती होते हैं और कुछ भी लिखकर चले जाते हैं। वैसे क्या लिखा है इस पर? गैरी यहाँ आया था। एश लूजर है। ओ गैरी, मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। एश गैरी को हराने के लिए निकल पड़ा है। क्या वो जीत की तरफ भाग रहा है या फिर किसी मुसीबत में पड़ने जा रहा है? तो वादा कीजिए कि अगला पोकेमोन कारनामा आप देखना न भूलें।